फिल्म की शुरुआत में हमें न्यू ऑर्लियन शहर के हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहां नॉलन अपने पत्नी एबिगेल को लाया होता है, जो कि बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए डॉक्टर उससे पूछते हैं कि एबिगेल की डिलीवरी कब थी, जिस पर नॉलन कहता है कि 5 हफ्ते बाद थी, पर आज ही इसे काफी ज्यादा दर्द होने लगा है। इसलिए डॉक्टर्स तुरंत एबिगेल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और नॉलन बाकियों के साथ बैठ जाता है, जहां न्यूज में बताया जा रहा होता है कि शहर में बहुत भयानक तूफान आने वाला है, जो कि अगली सुबह 5 बजे तक रहेगा, इसलिए जल्द से जल्द सभी सुरक्षित जगह चले जाए। पर तभी तूफान हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जिससे वहां लगे शीशे टूट जाते हैं, जो देख सभी घबरा जाते हैं और तुरंत सभी को ऊपर के फ्लोर पर ले जाया जाता है। अब नॉलन के पास एक डॉक्टर आकर उसे बधाई देते हुए कहता है कि एबिगेल ने एक बच्ची को जन्म दिया है, पर दुर्भाग्य से बच्ची को जन्म देने के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया, जो सुनकर नॉलन एकदम दुखी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं होता कि एबिगेल उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर उसे उसकी बेटी हैली के पास लेकर आता है, जिसे देखकर नॉलन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। पर हैली को वेंटिलेटर पर देखकर वो डॉक्टर से सवाल करता है कि मेरी बेटी ठीक तो है ना, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि हैली अभी स्वस्थ है, पर उसे 48 घंटों तक वेंटिलेटर पर रखना होगा, और अगर उसके बाद उसने रोना शुरू किया तब वो खतरे से बाहर होगी। पर ये 48 घंटे बहुत भारी है, क्योंकि तूफान के कारण शायद यहाँ के मरीजों को मेन ब्रांच में भेजा जाएगा, क्योंकि आज स्टाफ बहुत कम आए हैं। पर तुम्हें हैली के साथ यहीं रुकना होगा, क्योंकि अगर हमने हैली को वेंटिलेटर से हटाया तो उसकी जान खतरे में भी पड़ सकती है, जिस पर नॉलन मान जाता है। अब नॉलन हॉस्पिटल के मुर्दा घर में आता है, जहां उसे एबिगेल का शव जमीन पर रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। और तभी वहां एक डॉक्टर आता है, जिससे नॉलन सवाल करता है कि तुमने इसे ऐसी जमीन पर क्यों रखा है, जिस पर डॉक्टर बचाव में कहता है कि आज स्टाफ नहीं आए, इसलिए नॉलन खुद ही एबिगेल के शव को बैग में डाल देता है। अब नॉलन एबिगेल के याद में उसके वॉइस मेल्स को सुनकर खुश हो रहा होता है, और तभी वहाँ शेली नाम की नर्स आती है, जो नॉलन को हैली का बर्थ सर्टिफिकेट देकर हस्ताक्षर करने को कहती है, जिस पर नॉलन हस्ताक्षर करते समय उसे एबिगेल के साथ बिताए पलों के बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद शेली वहाँ से चली जाती है। और तभी नॉलन को सारे लोग मेन ब्रांच में जाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो तुरंत हैली के पास आता है, पर अब दुर्भाग्य से बिजली पूरी तरह से चली जाती है, लेकिन इन्वर्टर के कारण सारे मशीन चालू हो जाते हैं, पर तूफान के कारण ये इन्वर्टर कब तक टिके रहेगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए नॉलन डॉक्टर से सवाल करता है कि क्या मुझे भी हैली को ले जाना चाहिए, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वेंटिलेटर को एम्बुलेंस के बगैर नहीं ले जाया जा सकता, और अभी एम्बुलेंस से सारे मरीजों को मेन ब्रांच में ले जाया जा रहा है, इसलिए जब तक सभी को वहां छोड़कर एम्बुलेंस वापस ना आए तुम्हें हैली के साथ यहीं रुकना होगा, जिसके बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। अब नॉलन जितना हो सके उतने खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त करने चला जाता है, जहां बावर्ची उसे अपना खाना देकर कहता है कि मैं भी जा रहा हूं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना, जिसके बाद नॉलन हैली के पास आ जाता है। अब न्यूज में बताया जाता है कि तूफान के कारण पूरे शहर में पानी भर गया है और कई घर डूब गए हैं, इसलिए नॉलन तुरंत हॉस्पिटल के नीचे वाले फ्लोर पर आता है, जहां पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गया होता है, जो देखकर अब वो चिंतित होने लगता है, और तभी इन्वर्टर भी जवाब देने लगता है, इसलिए वो तुरंत हैली के पास आता है, लेकिन तब तक इन्वर्टर भी बंद हो जाता है और वेंटिलेटर की बैटरी सिर्फ 3 मिनट का बैटरी बैकअप दिखाने लगती है, जिससे अब नॉलन अब और परेशान हो जाता है, पर हिम्मत करके हॉस्पिटल में बैटरीज ढूंढने लगता है, जिस पर भाग्य से उसे एक छोटा जनरेटर मिल जाता है, इसलिए अब वो उसे तुरंत वेंटिलेटर से जोड़ देता है, जिस पर अगर उस जनरेटर का हैंडल घुमाया जाए तो वेंटिलेटर 3-3 मिनट का बैकअप देता है। और तभी वहाँ शेली आ जाती है, जिससे नॉलन पूछता है कि सब अभी तक क्यों नहीं आए, जिस पर वो जवाब देती कि तूफान के कारण सभी मेन ब्रांच में फंस गए हैं और कब तक आएंगे ये कोई भरोसा नहीं, जो सुनकर नॉलन और परेशान हो जाता है और शेली को वेंटिलेटर के लिए अच्छी बैटरीज लाने को कहता है, इसलिए वो उसी के लिए चली जाती है।
अब नोलन हेली के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है और एबीगेल के बारे में भी उसे बताता है, जिसके बाद वो उसका डायपर बदल देता है और तभी वो दवा जो हेली को दी जा रही होती है वो खत्म होने लगती है, इसलिए वो दवा लेने चला जाता है और भाग्य से उसे वो मिल भी जाती है। पर तभी उसकी घड़ी में 3 मिनट का लगाया हुआ अलार्म बजने लगता है, इसलिए वो तुरंत हेली के पास आकर जनरेटर का हैंडल घुमाता है, जिसके बाद वो फिर से दवा लाने चला जाता है और उसे पाकर वेंटिलेटर पर लगा देता है। अब नोलन फिर से हेली से बात करने लगता है और उसे एबीगेल के साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में बताता है, जिसे बताते हुए वो खुश भी होता है। फिर न्यूज में बताया जाता है कि तूफान थम गया है लेकिन पूरे शहर में अब भी पानी भरा है, इसलिए नोलन नीचे आकर फोन से मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन फोन बंद निकलता है, इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर आता है जहां उसे एक एम्बुलेंस दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उसके रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई संपर्क नहीं होता और तभी घड़ी का अलार्म बजने लगता है, इसलिए वो भागते हुए जनरेटर का हैंडल घुमाने चला जाता है। पर उसके जाते ही रेडियो की दूसरी तरफ से पुलिस वाला कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है, मुझे तुरंत अपनी लोकेशन बताओ, लेकिन नोलन वहाँ नहीं होता। पर जैसे ही वो वहाँ आता है संपर्क तब तक टूट जाता है, वो अब कई बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन अब कोई संपर्क नहीं होता, जिससे वो एकदम गुस्सा हो जाता है। पर तभी फिर से अलार्म बजने लगता है, इसलिए वो जनरेटर के हैंडल को घुमाने आता है लेकिन बार बार हैंडल के घुमाने से वेंटिलेटर अब 2 मिनट से भी कम का बैकअप देने लगता है, जिससे नोलन अब एकदम परेशान हो जाता है और तुरंत जनरेटर रूम में आता है ताकि शायद मेन जनरेटर चालू हो जाए, लेकिन बैटरी बैकअप कम होने के कारण उसे हर 2 मिनट में जनरेटर का हैंडल घुमाने जाना पड़ता है और ऐसे ही करते हुए उसे जनरेटर तो मिल जाता है। पर जैसे ही वो उसे ऑन करने की कोशिश करता है वो गीला होने के कारण उसे एक जोरदार का झटका लगता है, जिससे नोलन नीचे गिर जाता है और तभी फिर से अलार्म बजने लगता है और इस बार घायल होने के बाद भी वो जैसे तैसे हेली के पास आता है और हैंडल को घुमाकर वेंटिलेटर चालू कर देता है। फिर न्यूज़ में बताया जाता है कि फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है, इसलिए सभी छत पर चले जाए। वहीं हॉस्पिटल में नोलन को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत छत पर जाने के लिए निकल जाता है। पर इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे ही वो छत के दरवाजे के पास पहुंचता है अलार्म बजने लगता है, इसलिए वो पहले हैंडल घुमाने नीचे आता है, जिसके बाद वो फ्लेयर लेकर छत पर जाता है जहां उसे हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो फ्लेयर से उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है, जिस पर भाग्य से हेलीकॉप्टर वहाँ आने लगता है। पर तभी दूसरी बिल्डिंग से कुछ लोग हेलीकॉप्टर पर गोली चलाकर अपने पास बुलाते हैं और वहां ज्यादा लोगों के फंसे होने के कारण हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने चला जाता है, जो देखकर नोलन एकदम दुखी हो जाता है। और तभी अलार्म फिर से बजने लगता है, इसलिए वो हेली के पास आ जाता है और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो टॉर्च लेकर वहां जाता है जहाँ उसे रस्सी में बंधा हुआ घायल कुत्ता ब्रेव दिखाई देता है। नोलन अब उसे रस्सी से छुड़ाकर हेली के पास आ जाता है, पर उसके पीछे ब्रेव भी आ जाता है जो बेचारा काफी भूखा होता है, इसलिए नोलन बावर्ची का दिया हुआ खाना उसे खिला देता है, जिसे खाकर ब्रेव वहीं बैठ जाता है। नोलन अब उससे भी बातें करने लगता है, जिसके बाद वो हेली की दवा फिर से बदल देता है और खाली दवा के पैकेट से ब्रेव के साथ खेलने लगता है। वो अब उस पैकेट को दूर फेंकता है जिसे ब्रेव वापस लेकर आ जाता है। इसने नोलन फिर से उसे फेंक कर जनरेटर का हैंडल घुमाने लगता है और तभी उसे गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो एकदम घबरा जाता है और तब वहाँ एक सोल्जर आता है। नोलन उससे कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद जो तुम मेरी मदद करने आए हो, लेकिन वो सोल्जर उसकी मदद करने के बजाय उसका बचा हुआ खाना ले लेता है, जिस पर नोलन उससे विनती करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिना कुछ खाए पिए मैं बेहोश हो गया तो मेरी बेटी मर जाएगी, हमें यहाँ से बाहर लेकर चलो। लेकिन सोल्जर कहता है कि तुम यहीं ठीक हो, बाहर कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल के अंदर चोरी करने आने वाले हैं। पर तभी वहाँ ब्रेव आकर सोल्जर को पकड़ लेता है और नोलन भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर वहाँ से भाग जाता है और नोलन भी अब उसके पीछे जाता है जहाँ उसे हेली की दवा जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है।
वहीं उसे शैली का शव भी दिखाई देता है, जो देखकर नॉलेन एकदम गुस्सा हो जाता है कि शैली को किसने मार दिया। वो तो बेचारी हैली के मदद के लिए ही हॉस्पिटल में रुकी थी। अब नॉलेन फिर से हैली के पास आ जाता है, जहां इस बार उसे एबिगेल दिखाई देने लगती है, जिससे वो व्यक्त करता है कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ क्योंकि मेरी बेटी इतनी तकलीफ में है, पर उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एबिगेल उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो, तुम जो भी हैली के लिए कर रहे हो ये एक अच्छे पिता होने का सबूत है, जो सुनकर नॉलेन की थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, जिसके बाद एबिगेल गायब हो जाती है। अब नॉलेन बाथरूम में आकर खुद को इंजेक्शन लगाता है क्योंकि वो पिछले कई घंटों से सोया नहीं है, जिसके बाद वो फिर से हैली के पास आकर हैंडल घुमाने लगता है, पर तभी उसे चक्कर जैसा आने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो ठीक हो जाता है और इंजेक्शन के कारण उसकी थकान भी खत्म हो जाती है, जो देखकर वो खुद से कहता है कि मुझे इंजेक्शन पहले ही लगा लेना चाहिए था, इसलिए वो फिर से इंजेक्शन लेने चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में दो लोग नशे वाली दवा को चुराने के लिए एक गन लेकर आ जाते हैं और आवाज लगाकर पूछते हैं कि यहाँ कोई है या नहीं, जिस पर दूसरा चोर कहता है कि अगर कोई यहाँ है तो सामने आ जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर ये बात बाथरूम में से नॉलेन सुन लेता है। वहीं अब दोनों चोर हॉस्पिटल के फार्मेसी सेक्शन के पास आ जाते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे नशे वाली दवा मिल जाती है। एक चोर तो उनमें से कई सारे को पीने भी लगता है। वहीं दूसरा चोर दूसरी जगह देखने जाता है, जो अंत में हैली के पास पहुंच जाता है और उसे देख वो अपने साथी को भी वहां बुलाता है। लेकिन जब तक उसका साथी वहां आता है, पीछे से नॉलेन उसके दूसरे साथी के अंदर कई सारे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर वो उसकी गन लेकर दूसरे चोर के पास आता है और उस पर गन तान देता है, पर जैसे ही वो चोर नॉलेन को शूट करने वाला होता है, नॉलेन उसे ही शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो हैली के पास आ जाता है जहाँ वेंटिलेटर बंद हो गया था, इसलिए वो तुरंत जनरेटर का हैंडल घुमाने लगता है, पर थकान के कारण वो ज्यादा प्रेशर के साथ हैंडल घुमाने लगता है, जिससे दुर्भाग्य से हैंडल टूट जाता है, जो देखकर अब नॉलेन घबरा जाता है। वो अब हैली के मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क को हटाकर अपने मुंह से उसे सांस देने लगता है, और तभी उसे ब्रेव की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है, पर वो इतना थक चुका होता है कि अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, और फिर वो बेचारा वहीं धाराशायी हो जाता है, जिसने अपने साथ कुछ लोगों को भी लाया होता है, जो सभी नॉलेन को स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं। वो नॉलेन से कहते हैं कि ये कुत्ता बहुत समझदार है, वो हमें यहाँ लेकर आया, जिनसे नॉलेन कहता है कि मेरी बच्ची को बचा लो, जो सुनकर सभी हैली के पास आ जाते हैं और उसे लाकर नॉलेन को दे देते हैं, जो अब खतरे से बाहर होकर रो रही होती है, जिसे देखकर नॉलेन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसमें पिता के डेडिकेशन को दिखाया गया है कि एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनको हर तकलीफ से बचाने के लिए अपनी हर तकलीफ को अनदेखा करके आखिरी दम तक कोशिश करता है, जैसा कि नोलन ने हैली के लिए किया। वहीं हम अक्सर माँ के डेडिकेशन को याद करते हैं, लेकिन पिता के डेडिकेशन को भूल जाते हैं, पर सच तो ये है कि उन दोनों के बगैर हमारा जीवन खुशहाल नहीं बन सकता, जो कि यही मूवी का सिंपल कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।